नमस्कार, आर एस अन्नपूर्णा किचन में आपका स्वागत है। आज हम आलू गोभी मटर और गाजर के मिक्स सब्जी बनाना सीखेंगे। हमने यहाँ राई तेल लिया है और गोभी को हम उसमें फ्राई करेंगे। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन राई तेल में यह सब्जी और ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें गोभी को सुनहरा रंग आने तक इसे फ्राई करना है और गैस का फ्लेम भी हमने हाई रखा है। इसे चलाते हुए हम फ्राई करेंगे। गोभी का रंग सुनहरा होना शुरू हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। और उसी तेल में हम आलू भी फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो कर दिया है। अब हम उसमें आलू डालेंगे और फ्लेम हाई करके हम आलू को भी सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। इसे भी हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब गैस का फ्लेम स्लो करके हम इसे भी निकाल लेंगे। बचे तेल में हम एक तेज पत्ता, 3-4 काली मिर्च, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी और 4-5 काली मिर्च डाली है और आधा चम्मच हींग डालेंगे। और हमने यह अदरक लहसुन, 2 टमाटर, 2 प्याज और 2 हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है, उसे डालेंगे। और इसे हम मिक्स करके ढककर पकाएंगे। हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे ताकि नीचे तली में मसाले जले नहीं। देखिए, प्याज का पेस्ट भी पक गया है, तेल ऊपर आ गया है। हम इसे अच्छी तरह चला लेंगे। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। हमने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, इसे मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन मसालों को मिक्स करके हम थोड़ा पानी डालेंगे
ताकि मसाले जले नहीं, और इसे हम ढक कर पकाएंगे जब तक कि मसालों के ऊपर तेल ना आ जाए। वैसे हम बीच बीच में चेक करते हुए चलाते हुए पका लेंगे। देखिए मसालों के ऊपर तेल आ गया है, मसाले हमारे अच्छी तरह पक गए हैं। अब हमने जो सब्जी फ्राई करके रखी थी उसे डालेंगे। हमने यहाँ गोभी आलू डाल दिया है, इसे भी हम मिक्स करेंगे। हमने यहाँ आधा कप गाजर बारीक काट कर लिया है और 1 कप हरी मटर लिया है, उसे डाल दिया है। हमने यहाँ गरम पानी डाला है और इसे मिक्स करके हम ढककर कुछ देर पकाएंगे। आपको जितना पानी रखना है, जितना ग्रेवी गाढ़ी रखनी है, पतला रखना है, उस हिसाब से पानी डालें। इसे हम ढक कर 10 मिनट तक पकाएंगे। कुछ देर हम गैस थोड़ा तेज़ करेंगे, 2 मिनट बाद गैस को हम कम कर देंगे। 10 मिनट तक हमने देखिए सब्जी को पका लिया है, सब्जी हमारी तैयार है। अब हम इसमें धनिया पत्ती डालेंगे और इसे ढक कर 2 मिनट और पका लेंगे। दो मिनट बाद हम इसे फिर चेक करेंगे। देखिए हमारी सब्जी पककर तैयार है। हमारी आलू गोभी मटर गाजर की सब्जी तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।